नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco M2 Pro वर्सेस Vivo Y33s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco M2 Pro में 6.52 इंच जबकि Vivo Y33s में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Poco M2 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Poco M2 Pro में 3.02 इंच जबकि Vivo Y33s में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Poco M2 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो Poco M2 Pro में 0.35 इंच जबकि Vivo Y33s में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco M2 Pro में 209 ग्राम्स जबकि Vivo Y33s में 182 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco M2 Pro में 6.67 इंचेस जबकि Vivo Y33s में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Poco M2 Pro में 1080x2400 और Vivo Y33s में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco M2 Pro में 84.62% जबकि Vivo Y33s में 83.76% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco M2 Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo Y33s में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco M2 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y33s की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Poco M2 Pro में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo Y33s की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Poco M2 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Vivo Y33s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco M2 Pro में Adreno 618 जबकि Vivo Y33s में Mali G52 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco M2 Pro में Qualcomm Snapdragon 720G और Vivo Y33s में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco M2 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB, 6 GB, 6 GB की RAM मिलती है, जबकि Vivo Y33s में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco M2 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB, 64 GB, 128 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Vivo Y33s में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Poco M2 Pro में अप टू 512 GB जबकि Vivo Y33s में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Poco M2 Pro में Android V10 क्यू जबकि Vivo Y33s में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
पोको M2 Pro में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Vivo Y33S की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Poco M2 Pro में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y33S की तो उसमें 5 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Vivo Y33S आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M51 है, दूसरा Oppo F17 Pro है, तीसरा Vivo Y12S है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।